राजस्थान के चुनावी मौसम के बाद जो असल का मौसम है उसका मिजाज बदल गया है। चलिए बात करेंगे बुलेटिन में राजस्थान के बदलते मौसम मिजाज की। राजस्थान में चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के साथ ही देर शाम से मौसम का मिजाज कुछ इस तरह से बदला जैसे मानो खेतों में खड़ी फसलों पर खुशी छा गई। प्रदेश के जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के एरिया में कहीं कहीं पर हल्की बारिश हुई तो जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर में कुछ एरियाज में ओलावृष्टि भी हुई है। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट हुई। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इसका असर 27 नवंबर तक प्रदेश में रहेगा और 28 नवंबर के बाद पश्चिमी विक्षोभ हल्का पड़ जाएगा जिससे मौसम साफ होने के साथ जिन जिलों में बारिश हुई वहां पर ठंड और ज्यादा तेज होने लगेगी। ठीक है, इस खबर पर हमारे सहयोगी विक्रम जुड़ चुके हैं सिरोही से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। और गिरिराज हमारे साथ पोखरण से जुड़े हैं। सबसे पहले सिरोही में अभी फिलहाल मौसम को लेकर विक्रम क्या तस्वीर है, क्योंकि बारिश कई क्षेत्रों में हुई है और ये जो बारिश है ये अब क्या मौसम लेकर आई है? जी बिल्कुल, मैं नहीं बताना चाहूंगा, सिरोही जिले में आज सुबह से ही जब जैसे ही सूर्योदय हुआ, सूर्योदय के साथ में ही आके जो मौसम का मिजाज है वो मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। और मौसम का मिजाज बदलने से यहाँ पे पूरा जो है वातावरण है वो पूरा ठंडा हो गया है। यहाँ पे जो तापमान है तापमान में काफी गिरावट आ गई है और गिरावट आने के साथ साथ अगर मैं तापमान की बात करूँ यहाँ पे 16 डिग्री टेम्परेचर तक यहाँ पे जो है वो तापमान लुढ़क गया और जो पूरा वातावरण है वो सर्द हवाओं के साथ में और ठंडक इतनी घुल गई कि यहाँ का पूरा वातावरण है वो ठंडा हो गया। एक बार इस नजारा दिखाया। चलिए विक्रम, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। गिरिराज आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल जिस तरीके से हवाएं चल रही हैं जो हम कैमरे में देख पा रहे हैं, तेज हवाओं का दौर है ये समझ आ रहा है, इसके साथ ही बारिश भी हुई पोखरण में, और क्या जानकारी? जी नंदनी, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि चुनावी गर्मी के बाद मौसम ने एकदम से करवट बदली है जिसकी वजह से अल सुबह से ही भड़ियाणा, फलसूंड और पोखरण क्षेत्र में लगातार बूंदाबांदी का दौर लगातार जारी और हवाओं ने इस तरह करवट बदला है कि तेज हवाएं जारी हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। और हालांकि देखा जाए तो क्षेत्र के लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी का सबब बन सकता है, परंतु पर्यटन जो पोखरण और जैसलमेर की तरफ जो आते हैं उनके लिए ही बड़ा ही ये सुहावना मौसम है। आप बिल्कुल कैमरे में ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जो पोखरण का जो बालाघाट दुर्ग है वहां पर लोग जो दूर दराज से जो पर्यटन के हिसाब से आए हैं उनके लिए ही बड़ा ही ये अच्छा मौसम है। जी बिल्कुल, तो अब जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है पोखरण जैसलमेर में टूरिज्म भी और ज्यादा बढ़ेगा अभी फिलहाल, लेकिन ये जो बारिश हुई इसे लेकर खेती किसानी करने वाले लोगों का क्या रिएक्शन मिल रहा है? और पोखरण जैसलमेर ये बड़े खूबसूरत शहर हैं जहां पर बड़ी संख्या में दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं, तो क्या टूरिज्म भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मौसम होता है सर्दियों की जब सीजन शुरू हो जाती है तब पर्यटन यहाँ पर इस तरह से यहाँ इनकी बढ़ोतरी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, फिर वो खत्म होती है जो डेजर्ट फेस्टिवल जब जो यहाँ आयोजित होता है उसके बाद ही यहाँ पर पर्यटन है जो उनके अंदर थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है। परंतु अगर बात करें इस बूंदाबांदी से तो किसानों का अगर रिएक्शन देखें तो जीरे की जो फसल होती है वो उसके लिए ये थोड़ी सी फायदेमंद हो सकती है ये बूंदाबांदी। जी ठीक है, अब हमारे सहयोगी विक्रम भी लगातार बने हुए। विक्रम, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आपसे चाहेंगे कि किसानों की तरफ से क्या रिएक्शन इस बारिश को लेकर मिल रहा है और कितना टेम्परेचर अभी फिलहाल सिरोही में दर्ज किया जा रहा है? मैं कम से कम तापमान की बात कर रही हूँ। ठीक है विक्रम, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, एक बार फिर से चलते हैं गिरिराज के पास। गिरिराज, पोखरण में अगर टेम्परेचर की बात करें तो अभी फिलहाल जो लीस्ट टेम्परेचर है वो कहां तक पहुंचा है तापमान में?
वर्तमान में जो अभी टेम्परेचर देखें तो 21 डिग्री सेल्सियस है, परंतु हवाएं बहुत तेज है मैम। हवाओं की अगर बात करें नंदनी तो बिल्कुल इतनी तेज हवाएं हैं और उसके हवाओं के अंदर ठंडक भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से सुबह से ही चाय की थड़ी और नमकीन की दुकानों पर लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है। और कुछ ये भी अगर देखा जाए तो आज शादियों का सीजन है, तो शादियों की सीजन में मेनू में भी बदलाव किया गया है, ये शाम को एक असर देखने को मिला इस मौसम की वजह से। चलिए शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।